बड़ा चाहते हैं रावणा माई के कितना अंडी के घोर चढ़ा दे। चुप रहा, इस बात ना कहा नमन की ठीक है एक बड़ा चाहते हैं। सुनो ना जल्दी से साड़ी पे लड़ोलन भाव जैसे ए मलकिनी ए वो ढोलने बाबू पहुंच जाइया हूँ। लेकिन एगो बात है ढोलन भाई तो सूट कर रही है घर से आ हो सकिया हो सकिया इनका गांव के छोरा सा बड़ा लुपुत खराब है। अगर साड़ी पेड़ हम कहीं ढोलन भाई के बड़ के भाई कहीं ढोले लगता ना हम तो बड़ का भाई के लुपुत खराब है। लेकिन मलकिनी एक बात कहो मलकिनी हमरा साड़ी पहनाम बहुत अपन आदमी हम लझाइ छी। अच्छा तो की करबौ कहियौ जे हम ढोलन बहु हती आ चोरी है उनका तो है सामान लगत है जल्दी पहनाना आहे। लेकिन कहीं ढोलन बुढ़वा हमरा धरते की होतै लड़का फरकन होते एगो भेलै ना जल्दी पहनाना जे आ कहीं अगर ढोलन भाई के पक्ष में रहबै कहीं पर भाइये ढोले लगतौ खरे है दोनों भैया हो सरज गति para que
एगो बात ए मलकिनी मलकिनी बोलू ना हम ना जाबो काहे हम ना जाबो क्यों नहीं जाओगे एगो बात हम जखनी से हम साड़ी पहन ली आ जब मोरी पर साड़ी रख ली ई झोलन भाई के बड़का भाई जो है लुच्चा है किसी के लुच्चा है ये बुढ़वा अपन बुढ़िया के छोटा हमें पर लो लगले अच्छी बात रहे हाँ हमार ये बुढ़वा दांत इस दांत टूटा है लिप लिप चाट के रहा हम इसीलिए जाओ जल्दी 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 ठीक है जा कहाँ गलू है लंगोरी साले पैसा पचास गो आओ ले कब हो तोहर सौती जे हो जो बिना पैसा ले न छोड़ सारू दहु तोहर सर हो जो न मानतो भैया रे भैया अब ऐसे जाए तो लोग की कहत ये कोई जानी जात भगोरी नहीं अभी पुलिस के नौकरी के चलते 3 बजे भोर से छौड़ा सा दौड़ल चले आ कहीं ये गोर में धर ले नानी के हमारा मूत बक्सैया अगर कहीं ये कोर में धाले लग तो हमारा की करते न करते लेकिन न भैया हम ऐसा जाए ये गांव समाज के आदमी जनते ये कोई नैहर से ससुराल जाए चाहे ससुराल से Yeah.
के लुलुआवत रहे हमारा करैया में ठोकर मारत रहे। अब की करूँ हमारा तो पिए वाला हो हम ओकरा कहाँ से पिए एकरा दादी के मोतियो दे अब की करूँ। लेकिन भैया आते ही हम के हैया प्रणाम बाबा। लेकिन बाबा एक बात कहना चाह रहे हैं। कौन सी बात? आज बहुत दिनों के बाद हम लोग जंगल में नहीं जा रहे हैं। जंगल के जानवर लोग अच्छा पक्षी पंछी वृक्ष कैसा है और चल के दिखना चाहिए बाबा। हाँ ये तो बात सहवे है। हाँ बाबा लेकिन सवेर का वक्त हो गया है। हाँ चलो गंगा स्नान भी कर लेंगे और I'm
कचरो बाबा आय आ बाबा हां एगो बात कहियो कौ आ भाई के कहते जंगल तक चलेला हां ले कुछ कुछ बात सुन छु ला आप तो कुछ नहीं छुने बाबा आहो बोल जंगल में अच्छा हमें कान में शर्मन आई अच्छा ये जंगल में कोई बच्चा रो रहा है कहाँ पर रो रहा है अब ये पता नहीं लेकिन बाबा चल के पता लगाना चाहिए चलो सुनो ले आया हाँ सुनो लेकिन बाबा हो आय की कहियो एकरा देह में खून सब लगले है हो ए कुछ भी लगा हुआ है ले चलो अपना कुटिया पर लेकिन बाबा
अब दूगो चेला बनेगा हमको। लेकिन सुन ला, हमारे को बात है। क्या बात है? लड़का ले जाएगा ठीक हो। हाँ चुप 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 अच्छा ठीक है, ले चलो यहाँ से कुटिया पर। एगो भाई एगो बात कहियो। हाँ बोलो। ढोलन भाई के कनिया भाव जाए के तो दूध हो जाए ना, अब पियतै कहाँ से। लेकिन वो गाय किन भाई। लेकिन बाबा बाबा बोलो, एकरा आई के बाद एकरा तू कथी मनबहु? चेला बनाएंगे। तू एक बनवे हो माए आ हम एक बनबे बाप। ठीक है चलो, तू बाप बना हम तारी बना चलो। लेकिन लड़का के है पता हो क्या? हो जाए तो जोरी हो देला आहोरानी फुलावा के। हाँ आज इस बालक को हम लोग लेकर
इसको हमने गुरु भाई मानेंगे। हाँ। और इसको गाय का दूध पिलाकर, लेकिन एगो बात है, तू एक माय रही हो, हम एक बाप रह। अरे बेहूदा एक बेर कहने दिए। हाँ। माय बाप का हो। हाँ, गाय के दूध पिया कर एक बउआ चुप रहे, भाई होती भाई चुप है, बुढ़वा माय रह तो हम बाप रह। चुप 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 चलो दूधला करे छे, दूधला करे छे, दूधला
खुश रहिए देवर जी। भाभी ये बताओ कि बुलाने का मेरा मकसद क्या है? आहो दीता ताई नाम हो दे सुना, तुम्हें बख्शीश चाहिए इनाम? बनारस वाली साड़ी चाहिए, मांग के मंगी का चाहिए, गले की हार चाहिए तब दूंगी। क्या रानी फुला को बालक पैदा हो चुका है? हाँ। ठीक है, अगर से बालक पैदा हो चुका है तो मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ। तो गौर से सुनो कि मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ। मालकिनी, मालिक के बिना लेले न देव। बिना लेले कैसे दे? हाँ मालिको, अब बोलो। देखो आज बड़ा खुशी की बात है। हाँ बोलो ना। घर में पत्थर पर जो भी जन्म ले। हाँ अपने के देवे के हो। अरे जो बख्शीश होगा इनाम होगा जिसको भाग में आहे बल्कि मत तो मिलवे करेगा। इनका कथी मंगाई छी मलकिनी? ओ मालिक मलकिनी कथी मंगाई छी? चीज बस ए प्रारस की सारी। अच्छा मांग के मंग टीका। अच्छा
गर्दन में लॉकेट, मालिक सब कुछ छोड़ कर हाँ। इनका वो बुल की सोना वाला किन दियो बुल की हाँ। अरे तो बुल की अब पेन का क्या करेंगे, बुल की पहनता थी हाँ। जितना कुमरा माधोपुर के छोड़ा है सबको हुल की मारता था ये देखो आओ से हो गए मलकिनी मालूम है नहीं मलकिनी हमार मालिको हाँ बोल या भात बन भाई ना हाँ या मार पसायला हाँ तो चार करसुल मार रख लर हाँ एक करसुल भात हाँ नीमक रख को हाँ जब ठंडा भेल ना हाँ जब पियै छी ना तो इनका छाली जे है हाँ अटक जाए छे गर्दन में हाँ अगर बुलकी पहनता थी तो छाली आवाज है जे बुलकी जे ये छाली के रोकले रहते हाँ जैसे हमर लंबू सारू के कनिया है हाँ बोले ना ए जब वो जब बुलकी पहनै छै तो हुलकी मारे लगै छै वैसे ही ये बुलकी पहनता थी मांगेंगे हम देने के लिए तैयार है तुम शांति से देखो I'm not afraid.
मेरा देवर जी। पहले वो बोले तो मजे से कल दिखा दो, और इसके बाद जो भी हमने इनाम बख्शीश हमसे लेना होगा मैं तुम्हें तैले के लिए तैयार हूँ। ना देवर जी ना, आप झूठ बोलेंगे, आप पहले मुझे इनाम दीजिए तो मैं बालक को। भाभी मैं तुम्हारे साथ कभी मैं झूठ ना बोला हूँ और मैं झूठ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि तू मेरी भाभी नहीं एक माँ की तरह लगती हो। मैं जब से लाया मोहब्बत में तब से एक माँ की रिश्ता तुम्हारे साथ मैं बनाया हुआ हूँ। रही बात ये बालक की, तो ये बालक को मैं शक्ल देखूंगा। द्वारपाल द्वारपाल, देवर जी कह रहे हैं बिना इनाम के ही मुन्ना को मुंह दिखाने के लिए। लेकिन मलकिनी अपने बउआ का दिखा दिया, अपने के देवे न करता। और दिनेश जी से मैं आग्रह करूंगा ये थोड़ा सा हमको भी अपना दुलरुआ सार समझ के हमको भी प्रतिष्ठा बचाइए, आ जाइए। ठीक है देवर जी। हाँ भाभी ये लीजिए, मुन्ना चले लाओ, मुन्ना को संभाल के रखिए। बहुत अच्छी बात है। आज 12 वर्ष की बात आज मुझे तेरे पुरानी फुला की कोख से क्यों नहीं संतान आया। काहे पिंडौता वाला हो, पिंडौता वाला। 12 वर्ष की बात आपको पत्थर पर दुभी जलमा है हजूर। बस चावस बहादुर बात सही कहा। लेकिन हजूर है बउआ के मुंह देखिए और हम लोग को इनाम बख्शी दीजिए। लेकिन बहादुर इस वाले पे ओजन बहुत ज्यादा है। क्यों नहीं हजूर, शेर के बेटा सब असर होता है। शाबाश बहादुर, बांस के बीच में बांस ही उपजता है। क्यों नहीं हजूर, अब इस बच्चे सखुआ के पेड़ में सखुए उग जाए थे। बोलो बांस के पेड़ में बांस उग जाए थे। अब केला के पेड़ में केले के बेट निकले। ये बात सही कहा। अब इस बालक को शकल देखना चाहिए कि भगवान इसे शकल कैसा बनाकर भेजे। जोड़े तोरा माए के लड़का। भैया रे भैया, अब देखिए आप लोग सोच लीजिएगा, जिन भाई को ईंटा का घर बनाना होगा अब चूनी भट्टा में नहीं जाइएगा। हमारे मालिक रुद्र सिंह के यहाँ महारानी फूला खाली ईंट भी आती है। सिंह के घर में चिमनी खुल गई और आज तुम चिमनी का मुंशी बन रहा है मेरे घर में। चिमनी का मुंशी पत्थर और चिमनी का मुंशी बन गया।
रमखोर बदतमीज, थोड़ा सा भी तुम्हारे पास भाई भी सुनो। क्या बात है, इनाम तो दीजिए देवर जी। इनाम लेने से पहले मैं तो मुन्ना का मुंह दिखा दी। इनाम लेने से पहले ये बताओ कि आज तक तुम्हारे साथ कभी मैं मजाक नहीं किया। मैं कहां मजाक कर रही हूँ। तो फिर पालक तो दिखाई है, यही पालक है, ये मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे साथ मजाक क्यों किया? कोई मजाक नहीं किया। आहो बरात बराई हो कैला, आहो रानी फूलवानी, आहो से मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं अच्छी बात कर रही हूँ। चोर आप छतनी टाइम आप बड़ी बड़ाई कर रहे थे। हाय हाय हाय, रूप की रानी है मेरी रानी फूला है, लेकिन वो तो बिल्कुल राक्षसनी जन्म ली। छी, जब मैं घर पानी लाने गई और बच्चा को जन्म हुआ, वो अपने बच्चा को करकरा के चिबा गई। और जब मैं गई जो छोटी बहू मुझे बालक दो ना, वो ईटा मुझे गोद में दे दिया। शाही को दे देना। शाह बच्चा को कर करा कर चिबा गई शैली घर में। बिल्कुल चबा गई। चले जाओ, जाओ, भागो यहाँ से। चले, चले जाओ मेरे घर से, जो तुम्हें सामने से। इनाम, 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 दिमाग मेरा खराब हो रहा है, मेरे रजुल से चली जा। सारे राक्षसनी कलंकनी जाओ ना, जाओ ना, जाओ। ये मैंने ही भविष्य में सोचा कि तुम्हारे पास में यह गुण कितनी खराबी है, मैं तुम पर विश्वास किया तू मेरे घर के रोशन बढ़ाएगी, लेकिन नहीं। आज यह बात मुझे समझ में आ गया कि तू मेरे घर में एक राक्षसनी, एक कलंकनी, एक डायन की बेटी हो। ओ मालिक, अपने बड़ा बड़ाई के लिए दरबा वाली हमरा ईशान है, वो ईशान है। आ दरबा वाली कैसन है से तो अपने के पता ना। आज मुझे सारा हकीकत पता चल चुका है। तब मैं ऐसा जाऊं दरबार की ओर। हाँ भैया,
और दरबार में जाकर जहां पर रानी फूला है जी भैया छोटा पकड़ लेना, चीटते हुए मेरे पास ले आ। चल तो जाओ उसे बुला कर मेरे पास ला। मालिको हम घर के नौकर बेटा समान मलकिनी माय समान अपने के पत्नी है तर अपने कुछ भी कर सके लेकिन हम छोटा कैसे पकड़ो। चाहे इसे किसी प्रकार से ला बुला कर अभी लाते हैं मेरे सामने ला। छोटकी मलकिनी हाथी है सब आदमी अपन अपन मर्दवा से बतिया से तू न बतिया हो हां स्वामी जी आए अरे अखनी आदमी देख ली बतिया देख आदमी के तू मालिक बोलो सुपुर न बचा चलो आए प्रणाम स्वामी छे प्रणाम ए प्रणाम ए हृदय से शिकार नहीं करता है ये प्रणाम अपने पास रखो। क्यों क्या हो गया है आज आपको? आज क्या हुआ है मेरे मूड कैसे खराब है? मैं किस लिए मैं आज इस भाषा बोल रहा हूं? तुम्हारा जो बालक पैदा लिया कोख से वो बालक कहाँ है? ओ आप इसलिए नाराज हैं? ये तो मैं आपको कहना ही भूल गई, जाइए बड़े दीदी ने ले गई है। मैं सारा बात ऊपर से कर देंगे इसी जगह से। अगर एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, उस बालक को शक्ल तुम देखी है या नहीं? नहीं स्वामी, मैंने भी शक्ल नहीं देखी। जो अपने कोख से बालक पैदा करेगी वो तो अपने बच्चे को शक्ल